आज हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काफी क्वेश्चन भी मिलते हैं, कभी इनके चैनल पूछता है, कभी किसके यहाँ पर ज्वालामुखी पूछते हैं, कभी यहाँ की जनजाति पूछी जाती है, कभी यहाँ का हाईकोर्ट पूछता रहता है कि यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ लगता है। तो देखिए अगर हम लोग देखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर अरब बंगाल की खाड़ी में एक उत्तर से दक्षिण क्रम में एक सीरीज में फैला है, यानी ढेर सारे आइलैंड्स का एक समूह है जो उत्तर से दक्षिण क्रम में यानी पॉलिटिकली फैला हुआ है उर्दू वाला। यहां से देखते हैं ये वाला, यहां से लेके ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है, यहां तक ये अंडमान, यहां से ये निकोबार। तो ये ऊपर सबसे पहले शुरू करते हैं, तो ये ऊपर एक कोको द्वीप दिख रहा है जो म्यांमार का है, लेकिन ये द्वीप चीन द्वारा पट्टे पर यानी लीज पर लेके यहाँ पर चीन का एक निगरानी तंत्र स्थापित किया है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र, खास तौर से दक्षिण एशियाई देशों के ऊपर निगरानी रखने के लिए, मेनली भारत। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक उसके बाद दक्षिण में आता है अंडमान, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह। उत्तरी अंडमान द्वीप जो है ये कोको द्वीप से अलग होता है कोको चैनल के द्वारा, यानी कोको चैनल अलग किनको करता है, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से। फिर उसके बाद आता है मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है उसको लिटिल अंडमान से अलग करता है डंकन चैनल, यानी अगर पूछा डंकन चैनल किनको अलग करता है, तो डंकन चैनल अलग करता है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से। फिर उसके बाद देखते हैं यहां पर लिटिल अंडमान के बाद फिर आता है 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है किनको अलग कर रहा है, लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार से, यानी 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और ये 10 डिग्री चैनल का मतलब यहां से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्रॉस करती है या 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करता है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के बाद आता है ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार के ऊपर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट मतलब पिग्मेलियन बिंदु भी कहा जाता है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट्स भी कहा जाता है, किस पर है, ग्रेट निकोबार पर। अब ग्रेट निकोबार के तुरंत जस्ट नीचे 10 डिग्री वो ग्रेट चैनल दिख रहा है जो ये अलग करता है सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से। हम ये कह सकते हैं कि भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल, भारत को म्यांमार से अलग करने वाला चैनल कोको चैनल, क्योंकि ये जमीन भारत की है, ये म्यांमार का है, उसी तरीके से भारत का ये इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया भारत का समुद्र पार सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे लंबी दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला देश और सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहीं पर ये उसके चैनल के बाद यहाँ पर दो ज्वालामुखी जो बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछे जाते हैं, एक का नाम है नारकोंदम, दूसरे का नाम है बैरन ज्वालामुखी। नारकोंदम सुसुप्त ज्वालामुखी है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी कहलाता है, यानी डॉर्मेंट वोल्केनो, इसका मतलब कभी ये एक्टिव था आज एक्टिव नहीं है, कभी फिर एक्टिव हो सकता है। उसके बाद बैरन ज्वालामुखी जो हमेशा आग उगलता रहता है, यानी हमेशा ही एक्टिव रहता है, एकमात्र भारत का एक्टिव ज्वालामुखी पूछे तो बैरन। ये दोनों, ये बैरन आइलैंड्स पे है, ये नारकोंदम आइलैंड्स पे है, ये बैरन ज्वालामुखी, ये वाला नारकोंदम, ये सुसुप्त है, एक्टिव है। अब हम लोगों ने इनके चैनल को देखा, ये उत्तरी अगर उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को दे, उत्तर में कोको चैनल, फिर उसके बाद में डंकन चैनल, फिर उसके बाद में 10 डिग्री चैनल, फिर उसके बाद में ग्रेट चैनल, यानी ये आपका इनका क्रम रहा। फिर यहां की अगर हम लोग बात करें, यहाँ की पॉपुलर जनजाति है जो फेमस, जारवा और सोमपेन। जारवा भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, सोमपेन भी अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है। अब यहां पर हम लोग देखें इसी को प्राचीन अंग्रेजी शासन काल में अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर एक जेल है जो सेलुलर जेल कह जाती है, उसमें बहुत सारे भारत के बड़े बड़े महारस्ती भी यहाँ उस जेल में बंद हो चुके हैं अंग्रेजी शासन काल में। उन्हीं में उस जेल का निरीक्षण करने आए थे गवर्नर जनरल रहे हैं जिनको हम लोग लॉर्ड मेयो के नाम से जानते हैं, और लॉर्ड मेयो यही इसी काला पानी का निरीक्षण करने आए थे जेल का, तो यही उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए भारत में
एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या की गई वो लॉर्ड मेयो थे, लेकिन भारत ने अगर पूछे कब्र किसकी है, एकमात्र गवर्नर जनरल वो है कॉर्नवालिस, इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है और उनकी कब्र है गाजीपुर में। तो ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन थे या जो भी संभावित क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस करें। ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद।